हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आम का पन्ना बनाएंगे। ये गर्मी में लू से बचने के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है। ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कच्चे आमों को उबालना है। इसके लिए हम कच्चे आमों की डंठल को काटकर कुकर में डाल लेंगे। और आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब कुकर को गैस पर रखकर बंद कर देंगे। और लो फ्लेम पर एक सीटी आने तक इंतजार करेंगे। जब तक सीटी आ रही है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम पुदीना के पत्ते लेंगे। अब एक मिक्सी जार में पुदीने के पत्ते, चार से पांच हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच काला नमक, चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा, और थोड़ा सा पानी डालकर जार को बंद कर देंगे। और मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर को खोलकर कच्चे आमों को बड़े बाउल में निकाल लेंगे। कच्चे आम अभी काफी गर्म है, इन्हें हमें मैश करना है, इसलिए हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। और इस तरीके से हम इनका पल्प निकालेंगे। अब हम छिलके को रगड़ते हुए इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। अब हम ठंडे पानी से सभी छिलके और गुठलियों को धोते हुए इनको अलग कर देंगे। अब हम इस पानी को छान लेंगे। अब हम स्पून से पल्प को रगड़ते हुए इसका रस निकाल लेंगे। अब हम बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी छलनी में निकाल लेंगे। अब हम पल्प को अच्छे से रगड़ते हुए इसका सारा रस बाउल में निकाल लेंगे। हमने सारा रस निकाल लिया है। हमने जो पुदीने की चटनी बनाई थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे।
अब इसमें नमक, आधा चम्मच काला नमक, दो तिहाई कप चीनी डालकर अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसकी सारी चीनी अच्छे से घुल जाए। अगर आपको पन्ना गाढ़ा लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें एक कप बूंदी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसे मिला लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें हल्की सी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आम का पन्ना तैयार है। अब इसे हम जार में डालेंगे। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे और आप इसे फ्रिज से निकाल कर ठंडा ठंडा इंजॉय कर सकते हैं। आम का पन्ना बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।